हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आज का जो ये व्लॉग है, आज का जो ये दिन है, ये बेहद ही खास है, बेहद इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। और ये दिन आया है आप सभी के प्यार की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से, क्योंकि आज मैं करने जा रहा हूँ एक मुलाकात, और वो भी इस वर्ल्ड के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से। तो अगर आप पहचान चुके हैं तो आप सही समझे हैं। मैं मिलने जा रहा हूँ संदीप महेश्वरी जी से, और संदीप सर का जो शो है, जो अभी यूट्यूबर्स का इंटरव्यू हो रहा है, उसमें मुझे भी मौका मिला है इंटरव्यू पर जाने का, शामिल होने का उस शो में, आप सभी की बदौलत। तो मैं आज जो ये व्लॉग है, ये एक याद के तौर पर, एक मेमोरी के तौर पर संजो के रखना चाहता हूँ, ताकि हमेशा ये जो यादें हैं इन्हें मैं चेरिश करता रहूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग आप सभी के आशीर्वाद और प्यार के साथ। जो हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आपकी जो मैम है वो सुबह सुबह लग गई हैं नाश्ता बनाने, और अभी जो टाइम है वो हुआ है 6:30 बजे का। और ध्यान से देखिए, चुन्नू मुन्नू ये उठ चुके हैं। गौरव ने ले लिए कियान की जगह, इसीलिए कियान नीचे खड़ा है। देखिए कैसे उदास हो रहा है। कियान, राम राम कर दोगे? नहीं, कुछ नहीं करेगा ये। तो दोस्तों देखिए, लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं। कुरुक्षेत्र कोल से आ चुके हैं हमारे पास कृषि वैज्ञानिक, और रास्ते में जितनी फसलें मिलेंगी सबका मुआयना करते हुए जाएंगे हम। और हमारी गुड़िया भी आ गई है, बड़े वाली, वो देखिए दीपाक्षी, हेलो। और ये देखो कियान, जो भी नया आता है उसको ऐसे देखेगा जैसे ये कौन है, क्यों आ गया। तो निकलते हैं दोस्तों तैयार होके, वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। सचिन ने लेट कर दिया। सचिन कहाँ है? सचिन ने लेट करवा दिया। खाना खा लिया? तो देखो सचिन की नई कटिंग। तो दोस्तों फाइनली हम तैयार हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं द बिग शो के लिए। तो चलिए आप सब भी मेरी इस जर्नी में मेरे साथ शामिल हो जाइए। तो हम जैसे ही पहुंचे, मोनिका मैम रेडी थी संदीप सर की टीम से, और मुझे एस्कॉर्ट किया गया। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं यहाँ लोकेशन पे, और अभी वेट कर रहे हैं, जैसे ही ऊपर जो टीम है वो रेडी हो जाएंगी तब मुझे ले जाया जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इस फीलिंग को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे शब्द भी शायद अच्छे से ना निकल पाएँ। बट ये एक फ़ैन मोमेंट है, और मैं आप लोगों को इस जर्नी का विटनेस बनाना चाहता हूँ मेरे साथ इस जर्नी में। ये लाइफ टाइम मेमोरी मेरे लिए रहेगी, तो ये व्लॉग मेरे दिल के बेहद बेहद करीब रहेगा। तो जैसे ही ऊपर से हमें मैसेज आया कि आप आ सकते हैं अभी, तो जैसे ही आप देख सकते हैं ये बॉडीगार्ड साहब हट्टे गट्टे ये मुझे लेकर गए ऊपर, इन्होंने एस्कॉर्ट किया। बहुत ही अच्छे इंसान हैं ये। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, सारी टीम ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और मुझे ग्रीन रूम में लेकर गए, जहाँ क्या हुआ, वहाँ अचानक मेरे सामने संदीप महेश्वरी सर आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा बम फूट गया हो, लेकिन वो मुझसे गले मिले। उन्होंने पूरा मुझे कंफर्टेबल किया, कहा कि ऑल द बेस्ट सेशन के लिए, बिल्कुल रियल रहिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आपने सुना कि सेशन स्टार्ट हो चुका था, ग्रीन रूम में मुझे माइक वगैरह सब ये चीज़ें लगाई गई। मुझे अचानक से पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस आया, मैंने कैप भी निकाल दी और मैं खड़ा हो गया पेशी के लिए, और बहुत घबरा रहा था मैं इस टाइम पर भी। कौन है हमारी गेस्ट है? आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो आज भी यहाँ पे आप लोगों का एज ग्रुप है, वो है 20 साल के आसपास, राइट? आप में से कितने हैं जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं? सब करना चाहते हैं। और कितने ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अच्छा होने के लिए, तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो इंग्लिश सिखाते हैं। उनका यूट्यूब पर एक चैनल है जहां पर 23 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ों व्यूज हैं। सो प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली फाउंडर ऑफ इंग्लिश लवर्स चैनल, मिस्टर सत्येंद्र सिंह। तो दोस्तों फाइनली सेशन कंप्लीट हो चुका है संदीप सर के साथ, तो हाथ पैर अब भी ठंडे पड़े हुए हैं मेरे। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में मेरे साथ हुआ है या नहीं। हर कोई सूत्र जो मतलब मुझे इस लेवल तक लेके आया है, तो सबसे मेन सूत्र मोनिका जी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिनके थ्रू मैं पहुँच पाया हूँ। और पूरी टीम से मैं मिला, सभी इतने अच्छे
और ढंग से मतलब पेश आए, इतना अच्छा मतलब मुझे लगा यहाँ पे। तो पहली बार एक थोड़ा सा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग इन्होंने दी है, तो बड़ा अच्छा लगा है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब संदीप सर से मिलने जा रहे हैं उनके ऑफिस में, तो रियल एक्साइटमेंट बिगिंस नाउ। तो कैसा रहा विक्रम, मतलब एक्सपीरियंस बताएंगे, मैंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। तो कोमल बताएंगे कि कैसा लगा इनको। मैं अभी आपके साथ जॉइन किया तो मेरे को भी इवन नहीं पता था कि जॉइन नहीं था, ये सब सुनकर इतना अमेजिंग लगा सर, सच में आपने लाइक सच में रोल मॉडल की तरह आज मेरे को भी लगा। तो अब हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं संदीप सर का, वो यहाँ आकर हमारे साथ कुछ बात करेंगे, अपना क्वालिटी टाइम शेयर करेंगे। हालांकि अभी सेशन जो कंप्लीट हुआ है वो बड़ा जबरदस्त रहा, मैं अभी एक तरह से नशे में हूँ और सर ने इतना अच्छा फील करवाया कि मैं बता नहीं सकता कि इतने बड़े सेलिब्रिटी इतने प्यार से बात करते हैं कि आपको लगता है कि कोई मेरा दोस्त ही है। तो ऐसी सर की पर्सनैलिटी है, आप सबको तो पता ही होगा। तो ये सर ने हर किसी को एक कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड दिया है, और देखो जितने भी ऑडियंस आती हैं हर किसी को सर अपना हैंड रिटन विशेष देते हैं, वो भी सिग्नेचर के साथ। तो आप सोच सकते हैं सर कितना वैल्यू करते हैं अपनी हर ऑडियंस की। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है सर से, और ऐसे ही नहीं है वर्ल्ड के नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कुछ तो बात है। जब भी ये दरवाजा खुलता है ऐसा लगता है सर आ गए और एकदम ऐसे हो जाते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई पानी के बॉटल्स लेके आता है, कोई ड्रिंक्स लेके आता है, और ये देखो कितने सारे स्नैक्स, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल में हम बैठे हुए हैं आज। इतना स्पेशल फील करवा रहे हैं ना सर, कि दिल से आवाज निकल रही है कि सर कितनी बार दिल जीतोगे। तो दोस्तों अभी अभी संदीप सर यहाँ से गए हैं और हमने उनके साथ पिक्स क्लिक करवाई है, और बहुत देर तक हमने बातचीत की, बहुत स्पिरिचुअलिटी पे हमारी बात हुई, नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ होती है उस पर बात हुई, और मुझे सच में आज बहुत स्पेशल फील हो रहा है जिसको शब्दों में बयान मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सर ने एज अ टोकन मुझे गिफ्ट दिया है जो कि मैं हमेशा अपने दिल से करीब इसे मैं रखूंगा, बस इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हर चीज आज मुझे लग रही है कि हाई लेवल पे जा चुकी है जिसके पार कुछ नहीं होता। तो आज वो मुझे एक लाइन याद आ रही है कि हैव आई मेड इट लार्ज, यस आई हैव मेड इट लार्ज। अब चलते हैं घर और एंजॉय करते हुए चलेंगे अब तो। तो दोस्तों हम फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं इतने छोटे से लेकिन मजेदार जर्नी के बाद, और देखिए पीछे से बच्चों ने जो मेरा स्मार्ट बोर्ड था उसका क्या बना रखा है। ये देखो भाई ये क्या इस्तेमाल हो रहा है भाई, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं है। अब हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। हाँ जी, वैसे तो हम करते हैं किसी नए हम इक्विपमेंट को लेके आते हैं उसकी अनबॉक्सिंग, लेकिन आज जो संदीप महेश्वरी सर ने हमें ये छोटा सा टोकन ऑफ लव यानी कि छोटा सा ये हमें गिफ्ट मिला है, ये प्यार का तोहफा, तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और वो अनबॉक्सिंग कौन करेगा, वो मैम करेंगी। लीजिए मैडम आपका तोहफा। अच्छा मैं गई नहीं थी इसलिए मेरे लिए गिफ्ट भेजा। हाँ आपके लिए गिफ्ट भेजा है संदीप महेश्वरी सर ने। अरे वाह है, है ना, थैंक यू, बहुत ही प्यारा है और बहुत ज्यादा। अरे वाह सच में बड़ा अच्छा है यार। तो दोस्तों आपने हमारा गिफ्ट तो देख लिया, लेकिन अब सचिन जो कि ऑडियंस में बैठा था, तो ऑडियंस जो भी संदीप सर के शो में जाते हैं उन्हें क्या क्या मिलता है ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट्स के साथ ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एक तरह से, तो इसमें पहली जो स्लिप हमें मिलती है वो मिलती है बेस्ट विशेज की फ्यूचर के लिए, संदीप महेश्वरी सर के हाथों से लिखी हुई है स्लिप। और फिर इसमें कुछ स्टिकर्स हैं जो जहां भी आप अगर पढ़ते हैं और आप कहीं भी अपने कमरे में इन स्टिकर्स को लगा सकते हैं। तो संदीप सर हमेशा कहते हैं कि भैया कोई भी बड़ी मुश्किल आसान है। तो सचिन अब जा रहा है वापस घर भिवानी, और मैं इसे ड्रॉप करने जा रहा हूँ, चले लेट हो जाएंगे, बस नहीं मिलेंगे फिर। तो मेहमान जी हो गए हैं तैयार जाने के लिए, सफर लंबा है।
उम्मीद है आपका दिन आज अच्छा गुजरा होगा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और भगवान ने चाहा तो ऐसी मुलाकातें एक आधी और भी होंगी आगे, है ना। संदीप सर कह रहे थे कि एक बार और जल्दी बुलाएंगे, हाँ साडू साहब को। आज का जो ये दिन था ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल था और हमेशा रहेगा, और जो ये व्लॉग है ये एक गोल्डन मेमोरी की तरह मेरे साथ हमेशा रहेगी। कियान राम राम कर दो। हाँ अब तो ये राम राम भी कर देगा, सारे काम कर देगा, है ना। खुशी तो जब भी कोई अनजान व्यक्ति घर पे आता है ना तो ये ऐसे ही करता है, और देखो ऐसे मेरे को देखेगा टेढ़ा टेढ़ा, ये देखो ये ऐसे देखेगा ये पापा और बेटा, ये तेरा पेट, ये पेटू, आईज दिखा दो, आईज कहाँ है तेरी, ये उंगली मार ली आईज में, हेयर कहाँ है, हेयर कहाँ है ये, अरे वाह। इसका तो ये चलता रहेगा प्रोग्राम, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत जल्द जो ये वीडियो है ये मेन चैनल पर संदीप महेश्वरी सर के चैनल पर आएगा, तो इंतजार कीजिए उस दिन का, हफ्ते या 10 दिन के अंदर मेरे हिसाब से आ जाएगा। तो फिर देखते हैं कि आप लोगों को वो वीडियो कैसा लगता है, कितना पसंद आता है। तो अगर आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे। ओके दोस्तों, कीप वॉचिंग, बाय बाय बाय।